तो यारो बात करेंगे तुम्हारे चहेते, मेरे चहेते, इस देश के चहेते, या फिर शायद सिर्फ इस देश के चहेते नहीं बल्कि पूरे दुनिया के चहेते एपी के बारे में। हाँ, जो कि ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका है, ये मैं कह सकता हूँ। वो बन चुका है एक सेंसेशन, जो कि है ग्लोबल सेंसेशन। चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन हो, हर जगह उनकी चर्चा हो ही रही है। और उनकी जो है एक नई सीरीज रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। तो फिर क्या तुमने देखा? अगर नहीं देखा तो फिर जाकर देखो। अगर तुम लोग एपी के फैन हो तो फिर तो जाकर जरूर देखोगे नई सीरीज को, क्योंकि इसमें उनकी पूरी कहानी दिखाई गई है। ये है एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम है फर्स्ट ऑफ अ काइंड, एपी डिलॉन फर्स्ट ऑफ अ काइंड, ये सीरीज का नाम है। और ये रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर। और मैं बता दूं कि सीरीज अच्छी है। हाँ, इसमें जो है ना आपको टोटल में 4 एपिसोड्स देखने को मिल जाते हैं। और इन 4 एपिसोड्स में जो है ना आपको एपी की शुरू से लेकर अभी तक की पूरी कहानी दिखाई जाती है, पूरी जर्नी दिखाई जाती है। और देखो, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एपी कितना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। भाई, एपी की जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज की अर्ली स्क्रीनिंग की गई ना, यानी कि स्पेशल स्क्रीनिंग जो की गई, उसमें सलमान खान देखने आए उस सीरीज को, उसमें रणवीर सिंह आए, उसमें बॉलीवुड के बहुत ही बड़े बड़े नाम आए, शामिल हुए उस सीरीज को देखने के लिए, उसकी अर्ली स्क्रीनिंग देखने के लिए। तो फिर क्या लगता है, ये कोई छोटी मोटी सीरीज है? नहीं, ये है एपी की सीरीज। और इससे साबित हो जाता है कि कितना बड़ा सुपरस्टार बन चुका है ये बंदा। सीरीज के शुरुआत में, यानी कि एपिसोड 1 में जो है आपको एपी के कुछ इनिशियल्स दिखाए जाते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, शुरू शुरू में क्या करते हैं, अपने गांव में क्या करते हैं, फिर वहां से वो आप कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, सीरीज के अंदर ना केवल एपी पर फोकस किया गया, बल्कि एपी की जो छोटी सी टीम थी ना, जिस टीम ने जो है ना शुरू से लेकर अभी तक उसका साथ दिया, उसके भी स्ट्रगल आपको दिखाए जाते हैं। और इस सक्सेस स्टोरी के सारे स्ट्रगल्स आपको डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाए जाते हैं। अब देखो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है तो फिर इतना तो एक्सपेक्ट मत करना कि भाई इसमें धूम धमाका होने वाला है, इसमें आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत देखने को मिलने वाले। नहीं, ये रियल लाइफ पर बेस्ड है। ये एपी की कहानी, एक इंसान की कहानी है कि वो कैसे एक सिंपल कॉमन इंसान से एक सेंसेशन बन गया। इस सीरीज के अंदर जो है आपको कुछ अनसीन फुटेजेस दिखाए जाते हैं जो कि एपी से रिलेटेड होते हैं या फिर एपी के ही होते हैं। वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, उनकी लाइफ कैसे चलती है, और इन सब पर प्रकाश डाला गया इस सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर हमें ये भी दिखाया जाता है कि शुरुआती दिनों में जो है एपी किस तरह रह रहे थे, उनका घर वगैरह दिखाया जाता है, फिर वो कैसे गा रहे थे, उन्होंने कैसे छोटे छोटे कदम लेके इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की। पंजाब के छोटे से गांव में उनकी शुरुआत हुई, वहां पर वो छोटे छोटे शोज करते थे, कहीं कहीं पर जाकर गाने लगते थे, अपने दोस्तों के सामने गाने लगते थे। ये सब आपको दिखाया गया है इस सीरीज के अंदर, जो कि एक्चुअल फुटेजेस है, जो कि शूट नहीं किया गया, उन लोगों ने खुद शूट किया, अपने मोबाइल फोन से शूट किया और उसको जो है यहाँ पर डाला गया। और ये सीरीज आपको बहुत अच्छे ढंग से बताती है कि एपी ने किस तरह से पूरे म्यूजिकल इंडस्ट्री को चेंज करने का ठान रखा है, और वो चेंज कर भी रहा है। और ये सब आपको देखने को मिलता है एपी की सीरीज में। तो फिर अगर तुम लोग इसके फैन हो तो फिर जाकर जरूर देखना, और अगर तुम लोग फैन नहीं भी हो तो फिर जाकर देख सकते हो। सीरीज काफी इंस्पायरिंग है कि कैसे एक छोटे शहर से, एक छोटे से गांव से एक बच्चा निकल के इस मुकाम पर पहुंच सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं पहुंच सकते हो? तो फिर तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हां, मुझे जरूर बताना क्या आप लोग एपी के फैन हो।